जब से मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी सत्ता से बाहर गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी के विश्वव्यापी संकट में इस प्रकार के बयान देना, भारत माता को बदनाम करना कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ये मानसिक दिवालियेपन की ओर जाने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान दे सकता है। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आप ये बयान इटली के इशारे पर दे रहे हैं या चीन के इशारे पर दे रहे हैं या पाकिस्तान परस्त ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं, अफजल गुरु से लेकर के जेएनयू के अंदर काम करने वाले ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत माता के टुकड़े करने में विश्वास रखती हैं, ऐसी ताकतों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं? ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और ये भारत पूरा देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपने भारत माता को दुनिया के अंदर बदनाम करने का जो प्रयास किया है, इसका जवाब पूरा देश कमलनाथ जी आपको देगा। आपको किसी भी कीमत पर लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार से बयान देना, भारत को कमजोर करना, देश विरोधी ताकतों को मदद करना और दुनिया के अंदर भारत को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि कमलनाथ का चरित्र आज से नहीं, हमेशा से ही ऐसा रहा है। उन्होंने आग लगाने का बयान दिया था, क्योंकि 84 के दंगों में उन आग की लपटों में जिसमें हजारों लोगों को जलाकर के मार डाला गया था, उसमें इनके हाथ भी उस लौ के अंदर जले हुए हैं, तो इनकी प्रवृत्ति वही रही है। चीन के साथ एजेंडी इन्होंने की है, कमर्शियल कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए उन्होंने चीन के साथ दलाली की है। तो ऐसे लोग, आज भी हमें यह डर है कि देश विरोधी ताकतों के साथ चाइना के इशारे पर भारत को बदनाम करने का, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो कांग्रेस की टूलकिट थी, उसके आधार पर उसका हिस्सा बनकर के कमलनाथ इस देश के अंदर भारत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।